हेलो, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द फातिमास किचन। आज फातिमा की किचन में बनने वाला है भरवा मसाला बैंगन। बहुत ही सिंपल वे में, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी कि आप इसे कैसे बनाएं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और पसंद आए रेसिपी तो लाइक ज़रूर कीजिए। तो यहाँ पे मैं छोटे वाले बैंगन ली हूँ, ये 200 ग्राम बैंगन है। और पहले मैं आपको इसे कट करके बता देती हूँ कि कैसे कट करना है। सबसे पहले हम इसके ऊपर का पोर्शन इस तरीके से कट कर देंगे और ये जो साइड में आपको दिख रहे हैं इसे भी हमें कट करना है। कई बार कीड़े इसमें भी होते हैं जो हमें नज़र नहीं आते हैं। पूरा नहीं निकालना है, हल्के हल्के से निकालना है। इस तरीके से आपको कट करना है। फिर इसमें बीच से हम कट लगाएंगे और चेक कर लेंगे अंदर कोई कीड़ा तो नहीं है। अगर अंदर कीड़ा होगा तो वो हम डिस्कार्ड कर देंगे और ये अच्छा है। तो अब मैं अब इसे पानी में डाल के रख दूंगी ताकि ये काले ना पड़ जाए। इसी तरीके से मैं सारे बैंगन कट कर लूंगी और उसे पानी में डाल के रख दूंगी। पानी में मैंने आधी चम्मच नमक भी डाल के रखी हूँ। और यहाँ पे एक अलग मिक्सिंग बाउल ले ली हूँ मैंने, उस पर मैं धनिया पाउडर डाली हूँ 1 बड़ा चम्मच। साथ में इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ मैं 1/2 बड़ा चम्मच। और इसके ही साथ में मैं यहाँ पे हल्दी पाउडर डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच। और अब मैं इसमें डाल देती हूँ ज़ीरा पाउडर, ये भुना हुआ ज़ीरा पाउडर है और ये मैंने 1 छोटा चम्मच डाली हूँ। और साथ में मैं इसमें डाल देती हूँ नमक, जो कि जाएगा हमारे टेस्ट के मुताबिक। वैसे मैंने 2 छोटे चम्मच यहाँ पे नमक डाली हूँ। और साथ में ये गरम मसाला है, ये मैं डालूँगी इसमें 1/2 छोटा चम्मच। और अब इन सब मसालों को मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। तो यहाँ देखिए, जो ये हमारे मसाले हैं तैयार हो चुके हैं। यही मसाले हम बैंगन में भी डालेंगे और इसी मसालों को हमें ग्रेवी में भी डालना है। तो यहाँ पे मैं नींबू का रस इसमें डाल देती हूँ, 1 बड़ा चम्मच डाली हूँ मैंने नींबू का रस। और साथ में इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट है, 1 छोटा चम्मच डालूँगी। और अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से फिर से मिक्स कर लेती हूँ। तो अब ये सब मसाले मिक्स हो गए हैं, लेकिन ये अभी थोड़ा सा सूखा लग रहा है मुझे, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ। और पानी डालने के बाद मैं फिर से एक बार इसे मिक्स कर लेती हूँ। तो यहाँ देखिए, एक पेस्ट जैसा बनके ये तैयार हो गया है। और अब इन मसालों को हम बैंगन के अंदर फिल कर देंगे। मसाला बैंगन में फिल करने के लिए मैं स्पून का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो हाथों से भी इसे फिल कर सकते हैं। ये जो मसाला हमने अभी बना के तैयार करके रखा है, ये ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने बना के रखी हूँ, ये बच जाएगा। तो इसी मसाले को हम अपनी जब ग्रेवी तैयार करेंगे तो उसमें भी ऐड कर देंगे। और ग्रेवी में ऐड करने के बाद में आप उसमें नमक मिर्ची चेक कर लीजिए, अगर आपको कम लगे तो आप ऊपर से भी उसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए, एक एक करके मैंने सारे बैंगन में ये मसालों को फिल कर दी हूँ। और देखिए, इतना मसाला मेरे पास अभी बच गया है। तो चलिए, अब ये मसालों को हम साइड में रख देते हैं। और यहाँ पे एक फ्राई पैन मैंने ले ली हूँ। फ्राई पैन में यहाँ पे मैं 1/2 बड़ी चम्मच तेल डाल रही हूँ। तेल हमारा जैसे ही गर्म हो जाएगा, एक एक करके हम इसमें सारे बैंगन डाल देंगे और बैंगन को हम फ्राई करना शुरू करेंगे मीडियम फ्लेम में। 2 मिनट तक के लिए हम इसे फ्राई करते रहेंगे इसी तरीके से पलट पलट के। बैंगन को ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, वरना जो हमने इसके अंदर मसाला भरे हैं वो बाहर निकल के आना शुरू हो जाएगा। हल्का हिस्सा हमें इसे फ्राई करना है ताकि जो ऊपर की एक लेयर है वो फ्राई हो जाए अच्छी तरीके से और जो मसाले की कोटिंग है वो सारी अच्छी तरीके से लग जाए। तो यहाँ देखिए, 2 मिनट मुझे हो चुके हैं इन्हें फ्राई करते हुए। तो अब मैंने इसे उतार देने हैं और साइड में रख दूंगी। और यहाँ पे एक अलग पैन ले ली हूँ मैंने, उसमें 2 बड़े चम्मच मैं तेल डाल रही हूँ। और तेल जैसे ही हमारा गर्म हो जाएगा, मैं इसमें 1 छोटा चम्मच जीरा डाल दूंगी। ज़ीरा जैसे ही हल्का सा क्रैक हो जाएगा, मैं इसमें मेथी के दाने डाल दूंगी। 2 चुटकी मेथी के दाने हैं ये। इसे डाल देने के बाद में इसे भी हम क्रैक होने देंगे। साथ में यहाँ पे मैं हींग डाल रही हूँ, ये भी 2 चुटकी मैंने डाली है। अब इन सब चीज़ों को मैं 10 सेकंड तक के लिए फ्राई कर लेती हूँ। तो अब 10 सेकंड हो चुके हैं, तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ प्याज का पेस्ट। 3 बड़े चम्मच है ये प्याज का पेस्ट। आप चाहे तो प्याज को बारीक चॉप करके भी इसमें डाल सकते हैं। और अब प्याज डालने के बाद में मैं इसे भून लेती हूँ। अभी मैंने गैस को हाई कर दी हूँ। हाई करके मैं इसे 1 से 2 मिनट तक के लिए इसी तरीके से भूनती रहूँगी और चम्मच भी चलाती रहूँगी ताकि ये नीचे से ना लग जाए। तो 1 से 2 मिनट अब इसमें हो चुके हैं। कलर देखिए, अब प्याज का चेंज हो चुका है। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ टमाटर, 4 बड़े चम्मच, मतलब कि 3 मीडियम साइज के टमाटर का पेस्ट बना के मैंने इसमें ऐड करी हूँ। आप चाहे तो टमाटर इसमें कट करके भी डाल सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को मैं मिक्स कर लेती हूँ और इसे भी भून लेती हूँ।
तो यहाँ देखिए हमारी प्याज और टमाटर भी भुना गए हैं, तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट है ये मैंने एक बड़ा चम्मच डाली हूँ। और अब इन सब चीज़ों को फिर से एक बार हम भून लेंगे, हाई फ्लेम में ही इन सब चीज़ों को अभी मैं भूनती जा रही हूँ। तो सब चीज़ें भुना गई है, तो देखिए जो मसाला हमारा बच गया था वही मसाला अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ और फिर से एक बार इसे अच्छी तरीके से मिक्स करके भूनना शुरू कर देती हूँ। मैं इसे हाई फ्लेम में बना रही हूँ इसलिए कंटिन्यू इसमें चम्मच चलाते जा रही हूँ। अगर आप इसे मीडियम टू लो फ्लेम में बना रहे हैं तो आप इसे ढक कर के भी बना सकते हैं। और थोड़ा सा पानी भी मैंने इसमें ऐड कर दी हूँ क्योंकि तेज़ आँच है तो लग बहुत जल्दी जा सकता है हमारे मसाले। तो यहाँ देखिए हमारे मसाले पूरे भुना चुके हैं, नमक मैंने इसमें चेक कर ली हूँ, सब चीज़ें बराबर है। तो अब हमने जो बैंगन को फ्राई करके रखे हैं वो हम इसमें डाल देंगे। और बैंगन डालने के बाद में मैं इसे हल्के हाथों से मिक्स कर रही हूँ, ज़्यादा तेज आप इसे मिक्स करेंगे तो ये टूट सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मसाले में हमारे बैंगन अच्छी तरीके से मिक्स हो चुके हैं, तो अब मैं इसमें लीड लगा दूंगी और धीमी आंच में इसे 2 से 3 मिनट तक के लिए पकने के लिए छोड़ दूंगी। तो 2 से 3 मिनट के बाद में देखिए हमारे जो बैंगन है वो पूरी तरीके से गल चुके हैं और मसाला भी जो हमारा है वो पूरी तरीके से भुना चुका है। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ चॉप की हुई धनिया की पत्ती, अगर आपके पास में हो तो डालिए वरना ज़रूरी नहीं है। फिर से एक बार मैं इसे मिक्स कर देती हूँ। तो तैयार हो चुकी है हमारी बहुत ही चटपटी सी सब्ज़ी, मसाला भरवा बैंगन। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिए, वीडियो में मेरे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कर दीजिए। सो नाज़रीन अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में मुझे भी याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।